मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक नामी गोलगप्पे वाले की पानीपुरी में हड्डी निकली है। यह शख्स काफी मशहूर है और पिछले 25 सालों से ठेला लगा रहा है। इसके पास गुना की बड़ी बड़ी हस्तियां गोलगप्पे खाने आती है। एक युवक शुक्रवार को पानीपुरी खा रहा था, तब उसको हड्डी मिली, जिसके बाद युवक ने सूचना फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को दी। अधिकारी तुरंत मौका स्थल पर पहुंचे और सैंपल कलेक्ट किए गए। बचे हुए सामान को भी अधिकारियों ने नष्ट करवा दिया। इस घटना के वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिस पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले गुरुग्राम में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। एक यूजर ने ऑनलाइन खाना मंगवाया था, गुरुग्राम के नामी रेस्टोरेंट से खाना भेजा गया था, लेकिन जब युवक ने पैकेट खोला तो उसमें मरा हुआ कॉकरोच मिला था, जिसके बाद युवक ने इसका वीडियो बनाकर शिकायत खाद्य सेवा आयोग को की थी। यह कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले भी खाने में कीड़े आदि मिलने की शिकायतें सामने आ चुकी है। इस साल इंडियन रेलवे की प्रीमियम ट्रेन कही जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में भी खाने में कॉकरोच मिला था। जिस पैसेंजर के खाने में कॉकरोच मिला था वह भोपाल से जबलपुर जा रहा था, जिसके बाद उसने एक्स पूर्व में ट्विटर पर इसके बारे में जिक्र किया। रेलवे में भी इस पोस्ट के बाद हड़कंप मच गया था। जांच के बाद IRCTC ने कैटरिंग कंपनी पर 45,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। क्या नाम है आपका भैया? मैं टिक्की पीने आया था, हम चार पांच लोग टिक्की पी रहे थे, तो इनके टिक्कियों में मांस के कुछ टुकड़े निकले और कुछ ऐसे पंजे टाइप के निकले, तो वो मेरे मुंह से ही मतलब टिक्की के अंदर मुंह में चले गए थे। तो मैंने इनसे पूछा था क्या कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि वो आ गए होंगे, गलती हो गई होगी, इस तरीके के ये मांस के टुकड़े निकल रहे हैं इसकी टिक्की में। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कुछ टेस्ट बढ़ाने के लिए मांस का कुछ उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इनका ठेला इतना फेमस हो रहा है। PG कॉलेज के सामने जो ठेला लगता है, फेमस ठेला है, उसी ठेले में ये निकल रहा है। इसकी तो जाँच होनी चाहिए पूरी तरीके से और इसकी एक्सपोज होना चाहिए। और भी मांस के टुकड़े थे, हम धोके रख लिए इसको, बहुत मांस का टुकड़ा भी था और हो सकता है कि उसमें भी हो, इसकी सैंपलिंग होगी तो उसमें पता लगेगा। फूड विभाग को मैंने कॉल कर दिया है, अब वो आने वाले होंगे। हो गए मेरे 25 साल हो गए, साफ सफाई से करता हूँ भाई साहब, कहीं तीन से वो छोले में आ गया होगा, नहीं कह सकता हूँ। जब बंद होगा तो मक्खी आ रही है। अबे धूपबत्ती जल नहीं थी हमारी, कह रहा हूँ भाई साहब मैं गंदी कहाँ से मैं बता दूँ, कोई जल में डरेगा वो तो नहीं कह सकता छोले में। 25 साल हो गए आज तक हमारी कोई शिकायत नहीं आई, लगाते लगाते यहाँ मोहर सिंह कुशवा। अभी मोबाइल फ़ोन पर सूचना दी गई थी कि PG कॉलेज के सामने जो ठेला लगता है चाट टिक्की का, यहाँ पर कुछ मांस युक्त खाद्य सामग्री का विक्रय किया जा रहा है। तो तत्काल मौके पर आकर के हमारी टीम ने यहाँ पर जो खाद्य सामग्री उसके द्वारा बेची जा रही थी, टिक्की और छोले, छोले का जो चटनी है, टिक्की का झोल है, इन सभी के हमने जाँच हेतु खाद्य सामग्री के सैंपल ले लिए हैं और आगे की जो जांच रिपोर्ट आने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा कुछ इसमें अनियमितता पाई जाती है तो इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसकी रिपोर्ट लगभग 15 दिन में आती है, 15 से 1 महीने का टाइम भी लग जाता है रिपोर्ट आने के बाद में वैधानिक कार्रवाई। इसमें जो खाद्य सामग्री 24 घंटे के अंदर खराब होने की संभावना रहती है उसमें फॉर्मलिन प्रिजर्वेटिव मिला करके उसको प्रिजर्व रखा जाता है, जिससे वो जाँच के लिए उपयुक्त बना रहे। इसमें हम इसको नोटिस देंगे और इस पे जो भी कार्रवाई हम लोग करेंगे उसके लिए हम इसको सख्त निगरानी में रख करके, और इसके द्वारा अगर कोई खाद्य सामग्री आगे बेची जाती है तो उसकी भी हम निगरानी रखेंगे, और अगर ये कुछ गलत पाया जाता है तो उस पर तत्काल हम एक्शन लेंगे। इसमें बराबर हम ये देखेंगे कि अगर इस तरीके की खाद्य सामग्री अगर बेच रहा है तो अगर इस अनियमितता पाई जाती है, अगर दोबारा से ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो इसके लिए हम इसमें इसका ठेला भी सील कर देंगे और खाद्य सामग्री बेचने का लाइसेंस तो सुनिश्चित कर। मैं नवीन जैन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी गुना। गुना से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट।